फिर भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। बागपत से ही बड़ी खबर है जहां कैश को लेकर मारपीट सामने आई है। लाइन में लगने को लेकर ये मारपीट शुरू हुई, फिर हिंसक झड़प में तब्दील हुई और इसमें कई लोग जख्मी हो गए हैं। सिंधवली अहीर थाना इलाके के पीएनबी बैंक की ये घटना है। बागपत से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और जगह जगह से अलग अलग जगहों से तस्वीरें ऐसी सामने आ रही है जैसे आप इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी है इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, काबू पाने के लिए। काफी भीड़ जमा थी और लाइन में लगने को लेकर मारपीट शुरू हुई। लोगों ने आपा खोया और उसके बाद ये हिंसक झड़प में तब्दील हो गई और अंततः ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा इन तमाम स्थितियों पर काबू पाने के लिए। और न सिर्फ बागपत बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं बागपत की और सलमान हैदर ज्यादा अपडेट हम तक पहुंचा पाएंगे। सलमान, अभी की स्थितियां कैसी हैं? जी गरिमा, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि नोटबंदी की मारामारी रह चल रही है। बागपत में ताजा मामला देखने को सामने आया, यही सिंधावली थाना क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक है, यहीं पर लाइन में लोग लग रहे थे। लाइन में लगने के विवाद को लेकर आपस में मारपीट हो गई। मारपीट इस कदर हो रही कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। एक तरफ यूपी के सूबे का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पुलिस से कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से परेशानी नहीं होनी चाहिए, नोटबंदी वालों को हर तरीके से समस्या का समाधान होना चाहिए, बड़े प्यार से पैसे बटने चाहिए। वही पुलिस इस तरीके से लाठी चार्ज करी जिसमें 5 लाख लोग घायल हो गए हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि थाना धोगढ़ क्षेत्र में इस नोटबंदी के विवाद को लेकर आपस में पक्ष में झगड़ा हो गया है। वहीं पर ही बैंक कर्मियों ने आबरू वर्षा कही, बुरा व्यवहार किया, इससे गुस्साए पब्लिक ने बैंक के शीशे भी तोड़ दिया है। तो अलग अलग घटनाएं हैं लेकिन बागपत में हो रही है। पुलिस बिल्कुल भी इस तरीके से काम नहीं कर रही है कि पब्लिक को परेशानी ना हो और मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन नहीं कर रही है। जी गरिमा, सलमान, सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि पुलिस महकमा सक्षम नहीं है इस तरह की स्थितियों पर शांतिपूर्ण तरीके से काबू पाने में। कल भी हमने देखा एक बैंक के बाहर किसानों की लाइन लगी थी SBI के बाहर और उसके बाद एक पुलिसकर्मी ने कितनी बर्बर तरीके से बुजुर्ग किसानों पर लाठियां बरसाई थी। समाचार प्लस ने वो खबर दिखाई, उस पर संज्ञान भी लिया गया, पुलिसकर्मी को सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन आज फिर से यही तस्वीर क्या दिखाती है कि क्या पुलिस महकमा सक्षम नहीं है मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद? जी बिल्कुल, बागपत पुलिस मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन बिल्कुल नहीं कर रही है। जिस तरीके से ये पुलिस ने यहाँ पर काम करा है, जिस तरीके से पुलिस ने लोगों को पिटाई करी है जिसमें एक महिला भी घायल है और 3-4 लोग और घायल हैं, लोगों में यहाँ पर आक्रोश हो गया है और लोग यहाँ पर नारे लगाने लगे हैं पुलिस के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस यहाँ पर पुलिस वालों का बर्ताव है उस तरीके से पुलिस को नहीं करना चाहिए और बागपत पुलिस बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही है जनता को। जनता वैसे ही पैसों से बहुत ज्यादा परेशान है, एक नोटबंदी की मार है, लोग बागों कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका है। इस तरीके से लोग बाग परेशान हो गए हैं। यहाँ का बागपत के अभी कल का आपको बताएंगे कि गुरु व्यापारी जो गुरु की मंडी है उन्होंने बिल्कुल अनिश्चितकाल के लिए अपना व्यापार बंद कर दिया है क्योंकि जो भी लोग आते हैं वो 500 और 1000 के नोट देते हैं। लोग बागों पास बिल्कुल अब खाने के लिए भी स्थिति खराब हो चुकी है यहाँ पर बागपत में। यहाँ पर छोटे तबके के लोग रहते हैं बिल्कुल, और बावजूद इसके वो लोग जो जरूरत में हैं, वो लोग जो परेशान हैं, पैसा निकालने बैंक तक पहुंचे हैं, उनके साथ पुलिस की ये अमानवीयता वाकई बहुत सारे सवाल सलमान पैदा करती है। क्या पुलिस के आला अधिकारियों तक ये खबर पहुंची है कि किस तरीके से अमानवीय हो चुकी है उत्तर प्रदेश की पुलिस? जी बिल्कुल, हमारे चैनल के माध्यम से आला अधिकारी भी देख रहे होंगे और आला अधिकारियों को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। जो पुलिस कर्मियों ने लाठी चार्ज किया उनके खिलाफ सलमान रोक रहे हैं आपको। इस समय बागपत के DSP हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका समाचार प्लस पर। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और इस पुलिस की इस कार्यशैली पर, इस रवैये पर आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या है क्योंकि पूरी तरीके से अमानवीय पहलू पुलिस का यहाँ नजर आया? हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको? हेलो सर, सुन पा रहे हैं आपको? अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो। आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है जी, दोबारा रिपीट करिए। क्या अब आप सुन पा रहे हैं मुझे?
जी जी आ रही आवाज सर। सवाल ये है, अभी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, पुलिस ने पूरी तरीके से बर्बर अंदाज में लाठियां भांजी हैं उन लोगों पर जो जरूरत के वक्त पैसा निकालने बैंक के बाहर पहुंचे। ये आज की घटना है, कल एक और ऐसी ही घटना सामने आई थी जिसमें बुजुर्ग किसानों पर पुलिसकर्मी लाठियां बरसाता हुआ दिखा था, तो ये कौन सा पहलू है सर पुलिस का? नहीं, ये आपका कहना बिल्कुल सही है, इस संबंध में बहुत एलाबोरेट डायरेक्शंस पहले ही एसएसपी बागपत सर के द्वारा दिया जा चुका था, और इस घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है, और जो सब इंस्पेक्टर वहाँ पे मौके पे थे ड्यूटी पे उनको निलंबित कर दिया गया है। जो विजुअल में एक होमगार्ड है जो वहाँ पे ड्यूटी पे था उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला कमांडेंट को लिखा जा रहा है और उसके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी, और हम ये आगे से भी इंश्योर करेंगे कि इस तरह की पुनरावृत्ति कदापि ना हो, और इसको हमने बहुत सख्ती के साथ लिया है। हम लोगों ने सेंसिटाइज पहले दिन से ही किया था पुलिस को, लेकिन डिस्पाइट दैट ये घटना हुई है, खेदजनक है। हक साहब, लेकिन नजर नहीं आ रहा है जो जिस तरीके से निर्देशित किया गया सरकार की तरफ से, अखिलेश यादव खुद अपनी पुलिस को लेकर बेहद उत्साहित हमेशा रहते हैं और कहते हैं कि पुलिस बढ़िया काम करती है, और खास तौर से जब ये बात मालूम थी कि ऐसे पैनिक सिचुएशंस आने वाले हैं तो कम से कम एक वेल प्रिपेयर्ड पुलिस महकमा नजर आना चाहिए था, और ये तो ये दिखाता है कि पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो निचले लेवल के लोग हैं, वो सक्षम है ही नहीं। तो लाइन हाजिर करने की बात उन्होंने कही है, और साफ तौर पे ये भी कहा है कि आगे से इस तरह की घटनाएं न हो, इसको भी इस पर भी काम किया जा रहा है। लेकिन हाँ, ये माना जरूर डीएसपी साहब ने, इजाजुल हक साहब ने कि